अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो वेल कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स में हमने 2 टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ने हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर। पास्ट सिंपल टेंस के 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वॉज एंड वर। पहले हम प्रेजेंट को पढ़ेंगे कि हमने यूज़ कहाँ करना है, इज एम आर, यूज़ ऑफ इज एम आर पढ़ेंगे, फिर हम यूज़ ऑफ वॉज वर्ब पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं यूज़ ऑफ इज एम आर की, सिंगुलर नाउन एंड प्लूलर नाउन। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे वेयर वी यूज़ इज एंड वेयर वी यूज़ आर। जब भी हम किसी सेंटेंस में बात करेंगे या हम किसी सेंटेंस को लिखा हुआ देखेंगे, सेंटेंस में बात हो रही है सिंगुलर नाउन्स की तो वहाँ हमने लगाना है इज। जब किसी सेंटेंस में बात हो रही है प्लूलर नाउन की तो वहाँ हमने लगाना है आर। ये एक छोटी सी टिप है या एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप इसको याद रखेंगे तो किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। जब भी आप प्रेजेंट के सिंपल टेंस में देखें, जब भी आपको लगाना हो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स लगाने हो तो वहाँ पे सेंटेंस में अगर सिंगुलर्स की बात हो रही है तो आप इज लगाएंगे, अगर प्लूलर्स की बात हो रही है तो आप सेंटेंस में आर लगाएंगे। अब हम फर्दर पढ़ते हैं कि इज़ हम किस किस प्रोनाउन के साथ लगाएंगे और आर हम किस किस प्रोनाउन के साथ लगाएंगे। तो जब भी किसी सेंटेंस में आप लिखा हुआ देखेंगे ही शी इट, तो जब भी कभी बात होगी ही की, शी की, इट की, तो आपने वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है प्रेजेंट का इज़। जब भी हम बात करेंगे किसी सेंटेंस में आई की, आप किसी सेंटेंस में आई लिखा हुआ देखेंगे तो वहाँ आपने हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का लगाना है एम। एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज़ होगा और जहाँ पे भी आई आएगा प्रेजेंट के टेंस में वहाँ आपने एम लगाना है। उसके बाद हम बात करते हैं आर की, तो आर हम यूज़ करेंगे दे के साथ, वी के साथ। आर हमने यूज़ करना है दे के साथ, वी के साथ और यू के साथ। जब भी हम किसी सेंटेंस में देखेंगे बात हो रही होगी प्रोनाउन लगा हुआ दे, वी, यू, तो वहाँ पे हमने लगाना है आर। अब कुछ ब्लैंक्स हम पढ़ लेते हैं, कुछ ब्लैंक्स देख लेते हैं कि किस तरह से इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 हमारी है वी डैश कलेक्टिंग ब्यूटीफुल फ्लावर्स। वी हम बात कर रहे हैं प्लूलर की, ये प्लूलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे आर। नंबर 2 है पीपल डैश ईटिंग मैंगोज। पीपल प्लूलर की बात हो रही है, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे आर। उसके बाद नंबर 3 है शी डैश स्लीपिंग। शी सिंगुलर की बात हो रही है, सिंगुलर प्रोनाउन है हमारे पास, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे शी इज स्लीपिंग। चिल्ड्रन डैश लाफिंग। चिल्ड्रन प्लूलर प्रोनाउन की बात हो रही है, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे आर। तो जब भी सेंटेंस में हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज़ में, अगर हमें सेंटेंस में वर्ड दिया हुआ है जैसे यहाँ पे चिल्ड्रन, जैसे हमें यहाँ वर्ड दिया हुआ है पीपल, तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि उन्होंने देखा पीपल तो सोचते हैं कि एक की बात हो रही है तो वो यहाँ क्या लगा देते हैं इज़, जबकि ये रॉन्ग है, आपने ऐसा नहीं करना। पीपल मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, तो आपने सेंटेंस को केयरफुली रीड करना है और देखना है कि सेंटेंस में सिंगुलर की बात हो रही है प्लूलर की। अगर तो प्लूलर की बात हो रही है तो आप आर लगा देंगे, अगर सिंगुलर की बात हो रही है तो आपने इज लगाना है। और अगर सेंटेंस में आप देखें सेंटेंस सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है आई से, अगर सेंटेंस में आई की बात हो रही है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो प्रेजेंट के टेंस में हमने लगाना है आई के साथ एम। तो इस चीज़ को आपने केयरफुली देख के करना है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, पुट सुटेबल ऑक्सिलरी प्रेजेंट वर्ब्स। आपने प्रेजेंट के वर्ब्स लगाने हैं, आपने क्या करना है अब इस तरह के सेंटेंसेस में क्या करना है। सेंटेंस नंबर 1, यू डैश पनिशिंग मी राइट नाउ, आर एंड वर्ब। अब यू हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है, इसके साथ हम आर भी लगा सकते हैं, वर्ब भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने देखना है यू के साथ आर भी आता है, यू के साथ आर भी हम लगा सकते हैं एंड वर्ब भी लगा सकते हैं। अब हमें देखना क्या है कि इस सेंटेंस में कब की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है तो हम आर लगा देंगे, अगर पास्ट की बात हो रही है तो हम
वर लगा देंगे। एक बार फिर से हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, यू डैश पनिशिंग मी राइट नाउ। अच्छा, आपके पास जो कंडीशनल, इन्हें हम कंडीशनल सेंटेंस भी कह सकते हैं, इस तरह के जो कंडीशनल सेंटेंस होंगे जिसमें आपको ये बताया हुआ होगा कि ये प्रेजेंट की बात है या पास्ट की बात है, तो वहाँ आपने क्या करना है, उस सेंटेंस को देखना है, वहाँ आपको एक हिंट दी हुई होगी कि ये प्रेजेंट की बात है पास्ट की। अब यहाँ हमें क्या हिंट दी हुई है, राइट नाउ। राइट नाउ से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है। राइट नाउ मीन्स अभी। तो हमने प्रेजेंट का क्या हेल्पिंग वर्ब है, यू के साथ क्या आता है, आर। तो हमें इस सेंटेंस में क्या लगा देना है, आर। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है हमारा, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डैश विजिटिंग पाकिस्तान लास्ट ईयर। लास्ट ईयर, अब इस सेंटेंस में हमें जो क्लू दिया हुआ है या जो एक हिंट दी हुई है, वो दी हुई है लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से हमें पता चल रहा है कि ये बात हो रही है पास्ट की। तो पास्ट का हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वॉज, तो इस ब्लैंक में हम क्या लगा देंगे, वॉज। अब हम बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस की। प्रेजेंट की हमने बात कर ली। जब भी हम प्रेजेंट के सेंटेंस कर रहे हो या पास्ट के सेंटेंस कर रहे हो, जब हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाएं, उसमें प्रेजेंट भी हो पास्ट भी हो, तो फिर हमने उस सेंटेंस को पढ़ के कंडीशन देखनी है कि हमें एक सेंटेंस में कंडीशन प्रेजेंट की दी हुई है तो हम प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अगर कंडीशन हमें बताई हुई है पास्ट की तो हम पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हम बात करेंगे पास सिंपल सेंटेंस की। तो पास्ट में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वॉज एंड वर। वॉज हम यूज़ करते हैं आई ही शी इट, मतलब सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, और वर हम यूज़ करते हैं प्लूरल प्रोनाउन के साथ, दे वी यू। अब हम अपनी ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर वन, फिल इन द ब्लैंक्स। सना डैश नॉट वॉचिंग द टीवी। सना लड़की की बात हो रही है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, वॉज। सेकेंड हमारे पास है लास्ट मंथ आई डैश हैविंग अ वेकेशन। आई के साथ पास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, आई के साथ पास्ट का हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं वॉज। तो यहाँ हम ब्लैंक में क्या लिख देंगे, वॉज। उसके बाद नंबर थ्री है मॉम डैश कुकिंग फूड। मॉम सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, मॉम वॉज कुकिंग फूड। यहाँ हमारा ये टॉपिक हेल्पिंग वर्ब्स का कंप्लीट होता है। आई होप सो वेल कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। इंशाल्लाह फिर दोबारा एक न्यू टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़।